प्रदेश भर में भी आज शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जा रही है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर में सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इधर दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरी ओर मोती डूंगरी स्थित एक लिंगेश्वर मंदिर में इस बार कोरोना के कारण भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। बाबा ताड़केश्वरनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर चार पहर की विशेष पूजन का आयोजन है, जिसमें कि काफी भक्त लोग सेवा करेंगे। झारखंड महादेव मंदिर में जो स्वयंभू लिंग है, इसके अंदर आज सुबह 3:30-4 बजे से ही मतलब लोगों के भक्तों का लाइन लगने चालू हो गई थी, और 4:30 बजे पट खुलते ही लोगों ने आना अंदर चालू कर दिया था। 5 बजे के बाद से जलाभिषेक चालू हो गया था। मंदिर के अंदर पुरुषों की अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। 200 से 250 कार्यकर्ता मंदिर की तरफ से लगाए गए हैं, और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ये मंदिर स्वयंभू लिंग है, और यहाँ पे द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर का निर्माण किया गया हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने कोरोना के बाद में पहली बार क्राउड देखने को मिल रहा है, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपने ट्रैफिक पुलिस के जवान और सिविल पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और भक्तजन बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। और व्यवस्था का लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के अपन ने 2 जगह से डाइवर्जन दे रखा है, वैशाली मार्ग कट और आम्रपाली कट, और उसको देखते हुए अपना सुबह से बिल्कुल कंटिन्यू हम मुस्तैद हैं। जगह जगह क्रेन ट्रक और व्यवस्था लगा रखी है, और भक्तजनों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो जय भोलेनाथ की, जय झारखंड नाथ की। यहाँ दूर दूर से लोग आए, और ये मंदिर प्राचीन आस्था का केंद्र है। काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं लोगों को भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साह है, बहुत ज़्यादा उमंग है। प्लस ये आसपास के इलाकों में सभी लोगों के श्रद्धा का केंद्र है, और कोरोना के बाद में पहली बार ओपन हुआ है इन दिनों, तो वैसे लोगों में बहुत सारा उत्साह है, और काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है हमें प्रशासन की। 2.5 साल से इस शिव मंदिर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है, हर मनोकामना पूरी करने वाला है सबका, बहुत अच्छा मंदिर है। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां राजधानी जयपुर में बात करें तो झारखंड मंदिर में सुबह से ही कतारें देखी जा रही है। आप देख सकते हैं भक्तों की जो कतार लगी है, वहां पुरुष और महिलाएं अलग अलग पंक्ति में यहां भगवान भोले के जल चढ़ा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर पुलिस पुरुष और महिलाओं में भी महिलाएं भी अलग अलग कतार में होने के कारण यहाँ कोई अव्यवस्था दिखाई दे रही। और आपको बता दें, राजधानी जयपुर में ताड़केश्वर महादेव मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर और मोती डूंगरी स्थित एकलिंगेश्वर मंदिर में भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार एकलिंगेश्वर मंदिर जो मोती डूंगरी पर स्थित है, वो इस बार भी कोरोना के कारण भक्तों को दर्शन के लिए नहीं खुल पाया है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ गिरधारी पारी, DD News जयपुर।